अच्छा लेकिन मैं इसमें भी तेरी बात कर सकता आई नो कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआ से बहुत अच्छी हूँ। कल से कुछ मेरी तबीयत सही है, हल्की सी स्वेलिंग है, कुछ बेहतर है, कल से बहुत बेहतर है और हल्की हल्की स्वेलिंग है जैसे कि कल मैंने आपको दिखाया, तो इस हिसाब से मेरा स्वेल हो रहा था और आज का मेडिसिन वगैरह खा रही हूँ तो अल्लाह का शुक्र कुछ बेहतर है और तबीयत भी कुछ बेहतर है, हल्का सा है तो ये मेडिसिन वगैरह खा रही हूँ तो ठीक हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाछी ने कपड़े धो के भेजे तो इधर मेरी बेबी सो रही है, तो उसके सोते सोते मैं आपको बताती हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं और अभी मैं कपड़े तय करूँगी अलमारी में रखूँगी क्योंकि उसके उठने से पहले पहले मुझे करना है और हमारी लाइट भी 4 बजे की जाने वाली है और पीछे देख रहे हैं तो मैंने कुछ कपड़े भी धोए थे जो हमारे उतरे थे और इधर मेरी उठ गई है और मुझे कपड़े तय करने थे तो कब्जन यहाँ पे उठ रही है और बेचैन सी हो रही है, इसके बेचैन होने से पहले पहले उठने से पहले पहले मैं कपड़े तय कर लूँ और अलमारी में रख लूँ क्योंकि उठ जाएगी तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और कुछ कपड़े मैंने धोए हुए हैं और एजर को भी आज नहला दिया था मैंने और ये कपड़े मैंने धो दिए हैं, फायर से सारा काम किया हुआ है, मैं कपड़े तय करूँगी और कपड़े मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी कपड़े पड़े हुए हैं जो मुझे करने हैं, तो इधर से छोटे छोटे कपड़े कर देते हैं। अच्छा अच्छी तो ये कपड़े आए हैं बाजी के घर से और ये कपड़े मैं तय कर रही हूँ अब और सारे तय करके मैं जल्दी जल्दी रखूँगी अलमारी में क्योंकि मुझे मेरी सो रही है और आप भी बोर होते होंगे क्या हर वक्त ये अपने घर के कामों की बना रही है तो बाहर की वीडियो नहीं आ रही, तो मैं इस वजह से नहीं जा रही क्योंकि जब एजल मेरी बेटी आने वाली थी तब भी मैं बाहर नहीं जा रही थी क्योंकि तबीयत ऐसी थी, अब एजल आ भी गई है तो भी नहीं जा रहे हम लोग क्योंकि एजल अभी 1 महीने की नहीं हुई और इस वजह से हम लोग बाहर का कोई ब्लॉग नहीं बना रहे, तो घर का ही ब्लॉग मैं आप लोगों से कर रही हूँ शेयर। तो कपड़े हो गए जी मेरे तय और सारे कपड़े मेरे अलमारी में क्योंकि जब से एजल हुई है तो बहुत शॉर्ट शॉर्ट में काम कर रही होती हूँ क्योंकि एजल के साथ काम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि एजल को भी देखती रहती हूँ और गली में आ गया है जी बेचने वाला कोई चीज जिसकी आवाज़ आ रही है तो एजल मेरी सो रही है तो मैं साथ साथ कपड़े रख रही हूँ और नीचे अलमारी में टॉवल वगैरह और बेडशीट वगैरह रखती हूँ। तो जी ये नीचे वाला पोर्शन है जहाँ पर मैं बेडशीट और टॉवल वगैरह रखती हूँ और ये मेरा पोर्शन है जिस पर मैं अपनी टी शर्टें वगैरह और सफ़र की टी शर्टें वगैरह रखती हूँ और अपनी अलमारी मैंने अभी बिल्कुल नीट नहीं रख रही क्योंकि मुझे एजल को भी देखना होता, साथ साथ मैं एजल को देख रही हूँ साथ साथ मैं कपड़े रख रही हूँ और बच्ची के साथ मैनेज करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है क्योंकि माशाल्लाह से सभी भाई लोग सब सेपरेट सेपरेट रहते हैं तो इस वजह से कोई साथ नहीं रहता तो इस वजह से काम भी करना थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है। तो अलग अलग सारे कपड़े रखती हैं और आप लोग भी बोलेंगे कि मैंने घर के ब्लॉग शेयर कर दिए किसी भाई के ब्लॉग शेयर कर दिए, तो दरअसल जब एजल होने वाली थी मेरी बेटी तब भी जैसे कि मैं हाथी नहीं जा सकती थी तभी कुछ ऐसी थी, अभी एजल हो भी गई है तो माशाल्लाह सभी 1 महीने की नहीं हुई तो जैसे बोलते हैं कि 1.5 महीने के बाद अम्मी लोग बोलते पड़े तो हमारे 1.5 महीना होगा तो हम जाएंगे बाहर के हम बाहर के बनाएंगे लोग तो वो आप लोग करेंगे शेयर, तो अभी आप लोग देख रहे हैं मेकअप की कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ ना कोई ऐसी चीज़ थी क्योंकि अभी एजल छोटी है और वो टाइम निकाल के ये भी कितने आप लोगों से शेयर कर रही होती हूँ, तो प्लीज़ बोर नहीं होना लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, घर के बनाए तो जरूर फ्रेंड कीजिएगा क्योंकि मैं अपने घर के ब्लॉग जो मेरी रूटीन है जो मैं कर रही होगी आप लोगों से करी शेयर, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा घर के बनाए तो जरूर फ्रेंड कीजिएगा। ओके व्यूअर्स अल्लाह हाफिज़, इन शाला एजल और हमारा होता है तमाम महीना जब भी कई फ्रेंड्स आप लोगों से करेंगे शेयर, तो ये मेरे घर के ब्लॉग थे तो मैं आप लोगों से कर रही हूँ शेयर और प्लीज़ बोर नहीं होना और प्लीज़ वीडियो देखा करो बहुत टाइम निकालते हैं आप लोगों को शेयर कर रही होगी आप लोगों की बहुत जरूरत है उससे तो